for those smart people who deserve to make the smartest choice. Tata Motors presents the smartest pickup on Indian roads. नागौर जिला मुख्यालय स्थित रामजस तारणिया ट्रक्स कॉमर्शियल व्हीकल शोरूम में कल पिकअप कैटेगरी की दो गाड़ियों टाटा योद्धा 2.0 और टाटा इंट्रा V50 की लॉन्चिंग सेरेमनी धूमधाम से मनाई गई। रामजस तारणिया ट्रक्स के प्रबंध निदेशक देवेंद्र तारणिया ने बताया कि लॉन्चिंग सेरेमनी का शुभारंभ केशवदास जी बगीचे स्थित राम द्वारा के महंत जानकी दास महाराज, विधायक मोहन राम चौधरी, पद्मश्री हिमताराम बांबू, स्पाइस बोर्ड के सदस्य भोजराज सारस्वत, लघु उद्योग भारती नागौर इकाई के अध्यक्ष बनवारी लाल अग्रवाल, कृषि उपज मंडी व्यापार मंडल के अध्यक्ष मूलचंद भाटी ने माँ भारती और शारदा के दिव्य चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं शोरूम के जनरल मैनेजर तेजवर सिंह ने जानकारी प्रदान की कि इस मौके पर पूरे भारतवर्ष में एक साथ दोनों गाड़ियों की लॉन्चिंग रखी गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिलाध्यक्ष हनुमान भाकर, कृपाराम देवड़ा, पंकज जोशी, भारत विकास परिषद के नागौर शाखा अध्यक्ष कैलाश सारडा, उमेद राजपुरोहित, पार्षद हरिराम जाखड़, पार्षद गोविंद कड़वा, दिलीप धोजक, विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष रामेश्वर सारस्वत भी उपस्थित रहे। इस मौके पर 14 ग्राहकों को वाहन की डिलीवरी भी दी गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरिराम धारणिया ने समस्त आगंतुओं का आभार प्रकट किया। इस पूरे कार्यक्रम में मंच का संचालन एंकर शरद कुमार जोशी द्वारा किया गया। लॉन्चिंग सेरेमनी के साथ साथ इस समारोह के बाद हम आपको दोनों प्रोडक्ट की विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। आप इस वीडियो में लगातार बने रहें। नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज़ 21 राजस्थान में। मैं हूं सद्दाम और फिलहाल मौजूद हूं जिला मुख्यालय स्थित रामजस दारणिया मोटर्स में, और मेरे साथ हैं तेजवीर सिंह जी जो यहां से जनरल मैनेजर हैं। आपका न्यूज़ 21 राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आज खास आयोजन भी है, भारतवर्ष में हमारे देसी ब्रांड टाटा की ओर से पिकअप वर्जन में एक योद्धा का नया स्वरूप लॉन्च किया गया है। क्या है ये नया स्वरूप और क्या इसकी खास विशेषताएं हैं, इसे लेकर तेजवीर जी हमें पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले तो तेजवीर जी, मैं जानना चाहूँगा कि इस नए प्रोडक्ट को किस नाम से संबोधित कर रहे हैं। धन्यवाद सद्दाम जी। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने चैनल पर बोलने का मौका दिया। इसके अलावा जो आपके दर्शक हैं, मैं उनको भी धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि वो हमें सुन पा रहे हैं और सुनने का मौका दे रहे हैं। तो गाड़ी के बारे में मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें, क्या लगभग सारी चीज़ें बताऊंगा, जिसमें गाड़ी की कुछ खूबियां भी रहेंगी। गाड़ी का जो नाम अभी हमने दिया है, इसका जो नया नाम है वो है योद्धा 2.0। 2.0, हाँ, 2.0 का मतलब है कि गाड़ी अब 2 टन पासिंग में आएगी। पहले आती थी, पहले 1700 किलो में आती थी, यानी कि 1.7 टन पासिंग में थी। अच्छा। अभी ये गाड़ी 2 टन पासिंग में आएगी। और 2 टन की अगर बात चल रही है तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इंडिया की ये पहली पिकअप है जो 2 टन पासिंग में आ रही है। अच्छा, इससे पहले पुरानी जो बी ब्रांड से पिकअप आती थी वो 2 टन पासिंग में, अभी आज की डेट में कोई पिकअप नहीं है किसी भी कंपनी की। तो पहली बार हम लॉन्च कर रहे हैं 2 टन पासिंग में पिकअप। मैं आपको बता दूं कि टाटा बहुत नवाचार कर रहा है, न केवल कार श्रेणी में, अब कार श्रेणी के साथ साथ ट्रक वर्जन में भी। जैसा आप बता रहे हैं कि पहली बार पिकअप वर्जन में 2 टन की पासिंग है, तो इसकी और भी खूब सारी विशेषताएं होंगी, एक एक कर से जानेंगे आपसे। स्टार्टिंग करते हैं अपन सबसे पहले गाड़ी के लुक और आगे डिजाइन के बारे में। बिल्कुल। तो लुक में सबसे बड़ा जो आपको चेंज दिख रहा होगा नई गाड़ी के अंदर, नई ग्रिल। बिल्कुल। जो इंस्पायर है कार सेगमेंट से, अगर आप कार में देखोगे तो अभी जितनी भी अपनी कारें आ रही हैं उनमें ये वाला अपना टाटा का सिग्नेचर ग्रिल बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आप नेक्सॉन देख लो, हैरियर देख लो, अभी नई पंच आई है उसमें भी, तो ये ग्रिल डिज़ाइन वहाँ से लिया है। तो कारों में लोगों को बहुत पसंद आ रहा है ये डिज़ाइन, तो वहीं से हमने इंस्पायर होकर इसको कमर्शियल गाड़ी पिकअप में भी डाला है। और आप देख पाएंगे तो आगे से आप जो भी कोई गाड़ी देखेगा वो ये नहीं बोल सकता है कि कोई पिकअप गाड़ी है। बिल्कुल नहीं, आगे कार जैसा अनुभव हो रहा है, जैसा एसयूवी कार टाइप की फील आ रही है गाड़ी की। ठीक है, डिजाइन पार्ट पे अगर हम जाएं आगे तो
एरोडायनामिक शेप है, एक प्रॉपर एरोडायनामिक शेप है। जैसे कारों में होता है एरोडायनामिक शेप, मींस क्या होता है कि इसकी एयर कटिंग अच्छी होती है। बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि फिजिक्स को, फिजिक्स के लोग के अकॉर्डिंग अगर एरोडायनामिक शेप होता है तो गाड़ी के आगे चलने में उसको कम धक्का लगाना पड़ता, मतलब ईंधन की बचत होती है। करेक्ट जी जी। एरोडायनामिक वर्ड जैसे कि एक एरोप्लेन होता है, आपने देखा होगा आगे से नुकीला होता है, बिल्कुल, तो वहीं से क्या है इंस्पायर होकर मतलब ये शेप निकाली गई है कि जब एयर आए गाड़ी हाई स्पीड पे चले तो एयर कटिंग ऐसे हो। बिल्कुल, साइडों में, अब साइडों में देखोगा अभी ये ना ये सब एरोडायनामिक के पार्ट हैं। यहाँ पे ये जो डिजाइन पार्ट है, ये डिजाइन थ्योरी पूरा एरोडायनामिक से ली गई है, पूरी तरह से एयर कटिंग बहुत अच्छी होती है गाड़ी की, पूरी तरह से डिजाइन चेंज किया गया। मैं देख पा रहा हूँ सर, बम्पर भी जो पुराने आपके योद्धा है उससे डिफरेंट है। बम्पर के बारे में बताना चाहूंगा सर आपको, एक बहुत यूनिक चीज है बम्पर में कि पहले जो बम्पर आते थे वो अपना क्या था, प्लास्टिक का फाइबर आता था, फाइबर, ठीक है ना। अभी ये पूरा ही मेटल है। और इसकी एक चीज और आप नोट कर पा रहे होंगे कि ये तीन पोर्शन में, तीन पार्ट में डिवाइडेड है। अगर कहीं कहीं इम्पैक्ट होता है, अगर कहीं गाड़ी लगती है तो मेरे को पूरा बम्पर चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये थ्री पीस में, आप ये देखो, 1, 2 एंड 3, एक पीस ये हो गया, सेकेंड पीस, थर्ड पीस। तो अगर मेरा ये पीस डैमेज हुआ तो मेरे को यही पीस चेंज करना है, सिर्फ ये वाला सेंटर वाला पोर्शन अगर डैमेज होता तो ये चेंज करना है और ये साइड होता तो ये करना है। तो इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस कम होगी, मेंटेनेंस का खर्चा कम हो गया। पूरी तरह से मानना पड़ेगा कि टाटा कस्टमर के अकॉर्डिंग अपने सारे व्हीकल्स को डिजाइन कर रहा है, जैसा इसका नाम है योद्धा, और मस्क्यूलर एक इसका रूप है, लगता भी है ये योद्धा। और जैसा सर ने बताया एसयूवी लुक इसको दिया गया है, पिकअप श्रेणी में भी अब एसी की डिमांड है और लुक की भी डिमांड है, तो उस श्रेणी में ये अपने आप को एक नए वर्जन में पेश कर रहा है। और क्या सर आप बताना चाहेंगे, रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं आगे फ्रंट में भी, और ये ग्रिल डिजाइन चेंज किया है। ये ग्रिल अभी आप देखोगे तो अपना कहीं ना कहीं कार वाले सेगमेंट से इंस्पायर किया गया है ये वाले जो ग्रिल डिजाइन है। तो टोटली हमने एक फ्रेश लुक दिया है गाड़ी को, और एक ऐसा लुक दिया है कि सिर्फ और सिर्फ एक कमर्शियल गाड़ी ना दिखे, मैं इसके एसयूवी टाइप फील भी आए, कार टाइप। एक मैं इसमें चेंज देख पा रहा हूँ, हेडलाइट जो पोजीशनिंग है पहले से कुछ मुझे अलग लग रही है, जो इनका ये शेप अब बहुत अच्छा लग रहा है एक तरह से, ये जो शेप है वो भी चेंज हुआ है। शेप में ज़्यादा फर्क नहीं है वैसे, जो डिजाइनिंग है लाइट वाला, हेडलाइट वही है, हेडलाइट में ज़्यादा चेंज नहीं है। आपको जो फर्क नजर आ रहा होगा वो ये वाला आ रहा होगा, जी जी, फेंडर वाला। हाँ, ये पहले जो अपना पुराना मॉडल था उसमें फेंडर थोड़ा बाहर निकला हुआ था, तो वो कस्टमर्स का फीडबैक थे। अब जैसे मैंने आपको बताया, आपको भी पता है टाटा मोटर्स कस्टमर्स के फीडबैक पे बहुत काम करता है, ठीक है ना, जो कस्टमर को चाहिए हम वो कोशिश करते हैं देने की। तो कस्टमर का जो फीडबैक था, जो डिमांड थी, वो ये थी कि ये फेंडर वाला है ना जो बाहर निकला हुआ है, इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ किया जाए, ठीक है ना। तो उस पर कंपनी ने काम किया, बहुत बेहतरीन काम किया है, सिर्फ और सिर्फ फेंडर को ही नहीं, उन्होंने पूरा आगे का पूरा ही लुक बदल दिया, चेहरा ही बदल दिया गाड़ी का। बिल्कुल, टाटा योद्धा का सीधा मुकाबला महिंद्रा की पिकअप से होता है, जैसा कि सर ने बताया कि इसकी जो लोड कैपेसिटी है वो तो बढ़ाई ही बढ़ाई है, साथ ही साथ इसकी सुंदरता में भी पूरा काम किया गया है। जैसा जैसा कस्टमर का डिमांड था उन सारे डिमांड्स पर यहाँ पर ओवरऑल काम किया गया है। इंजन वाइज में बात कर रहा था सर, तो ये जिस तरह से बॉडी में मस्कुलर है, इंजन भी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, मैं ज़्यादा टेक्निकल इस बारे में जानता तो नहीं हूँ, लेकिन एक तरह से ये भी मस्कुलर लुक है, भरा भरा सा है। बिल्कुल सर, इंजन की अगर बात करी है तो मैं एक चीज़ सर आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको भी, कि इंजन आज की डेट में जितनी पिकअप गाड़ियाँ आ रही हैं ना, द बेस्ट इंजन इन दिस व्हीकल, सबसे रिफाइंड, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इंजन है। 2.2 लीटर अपना 2200 सीसी के अंदर ये इंजन आता है, जो टाटा मोटर्स अपनी कार में भी यूज़ करती है। सफारी के अंदर जो इंजन यूज़ होता है वो सेम इंजन है, 2.2 लीटर डाइकोर इंजन है, ठीक है ना। इस इंजन की अगर हम विशेषताओं की मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा हॉर्स पावर इस इंजन की है, जितनी भी पिकअप श्रेणी की गाड़ी आती हैं सबसे ज़्यादा पावर है 100 हॉर्स पावर जनरेट करता है इंजन। इसके अलावा 250 Nm का टॉर्क है, 250 Nm का टॉर्क, जो कि गाड़ी को कैपेबल बनाता है ज़्यादा लोड ले जाने के लिए। बिकॉज आप समझ सकते हो कि पावर और टॉर्क का क्या कॉम्बिनेशन है, पावर चाहिए होता है गाड़ी की स्पीड के लिए और टॉर्क चाहिए होता है वजन उठाने के लिए। टॉर्क एक तरह से गाड़ी का ताकत होता है, इंजन की ताकत होता है, तो जितना ज़्यादा टॉर्क होगा उतना ज़्यादा लोड ले जा सकती है गाड़ी, उतना लोड उठाने में सक्षम है। इसके अलावा कुछ और चीज़ों की मैं बात करूँ
तीन साल 3 लाख किलोमीटर की वारंटी है इंजन की इंजन प्लस ड्राइव लाइन। तो ड्राइव लाइन में आपका क्या क्या आ गया सर? इंजन आ गया, गियर बॉक्स आ गया, प्रोपलर शाफ्ट आ गए। तो तीनों के 3 साल 3 लाख किलोमीटर तक की वारंटी है। कुछ भी कोई भी दिक्कत परेशानी होती है टाटा मोटर्स आपके साथ खड़ा हुआ है। दिवाली इसके अलावा एक चीज़ और मेंटेनेंस पार्ट की बात करूं तो सर्विस शेड्यूल जो है, सर्विस शेड्यूल इसका है 20,000 किलोमीटर और 1 साल, यानी 1 साल और 20,000 किलोमीटर पे ही अपने को सर्विस करानी है, उससे पहले कराने की जरूरत नहीं है। मोस्टली गाड़ियों में 10,000 या 15,000 पे सर्विस इंटरवल होता है, तो उससे क्या होगा, जितना ज़्यादा सर्विस इंटरवल का गैप होगा उतनी मेंटेनेंस कम होगी, तो वो अगेन एक कस्टमर के लिए बेनिफिट है। एक और एडिशनल अभी इस गाड़ी के साथ लॉन्चिंग के साथ जो लॉन्चिंग स्कीम दे रही है कंपनी टाटा मोटर, 2 साल की फ्री मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में? हाँ, मेंटेनेंस में 3 साल 3 लाख किलोमीटर की वारंटी हो गई। इसके अलावा 2 साल की मेंटेनेंस फ्री है, यानी कि कस्टमर अगर गाड़ी रखता है तो उसको 2 साल तक सिर्फ गाड़ी में डीजल डलवाना है, टायर घिस जाए तो टायर बदलवाने, बैटरी खराब हो जाए तो बैटरी बदलवानी है, फुल बाकी गाड़ी सर्विस का लेबर चार्ज, ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज, कुछ भी होता है, कुछ मेंटेनेंस, रूटीन मेंटेनेंस के कोई पार्ट भी चेंज होते हैं वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करके देंगे। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट। बिल्कुल। तो दिवाली का सीजन है, ड्राइवर भाई, किसान भाई भी अपने भार ढोने वाले कामों के लिए एक नए वाहन की अगर आप तलाश कर रहे हैं तो मैं भी दरखास्त करूंगा कि टाटा योद्धा आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। जैसे कि सर ने मुझे स्पेसिफिकेशन बताई हैं, उनके आधार पर ड्राइवरों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए या किसानों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए एक बेहतरीन प्रोडक्ट टाटा की ओर से दिया जा रहा है। तो मेरा भी आपसे अनुरोध है कि अपने किसी भी वाहन को लेने से पहले एक बार रामजस तारणिया मोटर्स नागौर में विजिट करके टाटा योद्धा का डेमो जरूर लें आप। बिल्कुल। चलिए अब हम चलते हैं सर साइड प्रोफाइल में और बैक प्रोफाइल। एक विशेषता मैं और बताना चाहूंगा सर, अगर हमने बोनट खुलाई है यहाँ पे तो आप बोनट देखो कि बोनट का साइज देखिए लंबा है, ठीक है ना। जैसे कि अभी देखा होगा टाटा मोटर्स की जितनी भी गाड़ियां ना, अगर कार सेगमेंट की बात करें या कोई भी कमर्शियल सेगमेंट की, टाटा जाना जाता सेफ्टी के लिए, सेफ्टी और मजबूती के लिए। तो यहाँ पे भी हमने वो चीज़ का ध्यान रखा है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ ये होल्स दिए हुए हैं, yes. है ना, पूरा ये बोनट के अंदर, और बॉडी वाले पार्ट में भी देखेंगे तो कुछ हमने वीक एरियाज दिए हुए हैं, yes. ठीक है ना, साइडों में भी ये देखो, यहाँ पे देखोगे आप होल्स वगैरह हैं, उस साइड में भी होल्स हैं। तो इनको टेक्निकल भाषा में क्रम्पल जोन्स बोलते हैं। क्रम्पल जोन क्या होता है, ये बॉडी के अंदर ना कुछ वीक एरियाज होते हैं, यानी कि अगर गाड़ी कहीं इम्पैक्ट होती है तो ये क्रम्प हो जाते हैं, तो जो फोर्स, जो एनर्जी है वो इनमें डिवाइड हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। हाँ हाँ हाँ। तो जो अंदर जो केबिन में बैठे हुए हैं ड्राइवर और पैसेंजर, वहां तक इम्पैक्ट नहीं जाता। लाइक एग्जांपल जैसे अपनी उंगली है, अगर मैं उंगली को ऐसे दबाऊं तो यूं मुड़ जाएगी, लेकिन अगर मेरी उंगली स्ट्रेट होती, ये बेंड नहीं होते बीच में, तो शायद चोट लगती। बिल्कुल। तो उसी तरह से उसी कॉन्सेप्ट पे हमने क्रम्पल जोन्स दिए हैं सेफ्टी का, कारों की तरह हमने कमर्शियल गाड़ियों के अंदर भी पूरा सेफ्टी का ध्यान रखा है। बिल्कुल। तो सेफ्टी में भी जैसा कि सर ने बताया टेक्निकल चीज़ें इस तरह से ऐड की गई हैं कि दुर्घटना के वक्त भी ड्राइवर केबिन तक ज़्यादा डैमेज नहीं पहुंचे, इस तरह की व्यवस्था यहां पर की गई है। तो साइड प्रोफाइल में चलेंगे और बैक प्रोफाइल में चलेंगे और देखेंगे कि टाटा योद्धा ने क्या क्या चेंज किए हैं। साइड प्रोफाइल में सर मैं सबसे पहला मेरा ध्यान जाता है यहाँ पर, ये जो टर्न इंडिकेटर हैं विशेष ब्लैक में जो हैं हाईलाइट किए गए हैं, और क्या चेंजेस हैं? जो सबसे बड़ा चेंजेज है, मैंने अभी फ्रंट में जो हम बात कर रहे थे मैंने तभी बताया था सर, ये जो फेंडर वाला है ये सबसे बड़ा चेंज आपको दिख रहा होगा। हाँ, पहले मैं बता दूं आपको कि ये बहुत बाहर था और लुक वाइज भी काफ़ी लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा था, अब इसको एरोडाइनमिक भी किया गया है और थोड़ा अंदर की ओर भी एक मस्कुलर लुक दिया हुआ है, जो प्रॉपर एक एसयूवी वाला रहता है। ये बिल्कुल नई चीज़ है जो आपने गौर किया है, इस चीज़ पे आइडेंटिफाई करी है, बिल्कुल नई चीज़ है ये। इसके अलावा जो 2.0 का जो बैजिंग है, जो इसका नाम है, उसका देखो यहाँ पे प्रॉपर ब्रांडिंग भी की गई है योद्धा 2.0 वाली, तो वो है। साइड में अगर मैं बात करूँ तो 16 इंची के टायर हैं इसके, ठीक है ना, तो जो इसको एक ऑफ रोड कैपेबिलिटी के लिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनाता है गाड़ी को, और ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ में एक मैं और देख पा रहा हूँ कि ये जो साइड गार्ड है ये भी अलग है, पुरानी योद्धा में नहीं आता था। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ मैं भी सर आपको हाईलाइट करना चाहता था, आपने नोटिस किया बिल्कुल, आपने मतलब बहुत अच्छे से पुरानी वाली गाड़ी को देखा है आपने। तो ये क्या है, सेफ्टी भी है, इसके दो पर्पज हैं, दो बेनिफिट हैं। एक बेनिफिट तो ये है कि ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से है, यानी कि ये हाईवे पे गाड़ी चल रही है, कई बार क्या होता है जैसे कोई कम हाइट की कोई कार है या बाइक है या स्कूटी है, तो वो कहीं
साइड में चलते चलते गाड़ी के नीचे ना आ जाए, जैसे बड़ी गाड़ी में होता है, एक सेफ्टी पर्पज से भी दिया गया है। प्लस क्या है कि अगर आप कुछ माल ऊपर डाल रहे हो गाड़ी में बॉडी का, अगर आपने ये ऐसा लोड बॉडी ऊंची करवाई हुई है तो वहां पे आप ये फुट रेस्ट का भी काम करेगा। अच्छा, तो वो है। सो उसका ड्यूअल बेनिफिट है, सेफ्टी भी है और कम्फर्ट भी है जब आप माल उतार रहे हो डाल रहे हो। बिल्कुल, तो हर छोटी छोटी चीज का ख्याल रखा गया है। तो टाटा बिल्कुल फेस्टिवल सीजन में अपनी सारी तब्दीलियां लेकर तैयार है, बस अगर आप मन बनाते हैं तो टाटा योद्धा आपको जरूर पसंद आने वाली है। ये है टाटा योद्धा का केबिन और जो कि फुली एसी है। इस बार एसी वर्जन में भी टाटा का योद्धा 2.0 लॉन्च हुआ है। और क्या क्या इसमें बदलाव हैं, मैं जनरल मैनेजर साहब से चाहूँगा कि आप थोड़ा हमें एक्सप्लेन करें। हाँ बिल्कुल, मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा सद्दाम जी, ऑनेस्टली बताओ आपको गाड़ी में बैठ के कैसा फील हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है सर मैं कार में बैठा हूँ या एसयूवी में बैठा हूँ। एसयूवी में बैठे हो, स्पेस लग रहा है आपको, कंफर्टेबली बैठे हो जी। तो सबसे बड़ा जो यूनिक जो पार्ट है इस गाड़ी के केबिन का वो इसका स्पेस। बिल्कुल, कंफर्टेबली तीन लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं। अगर किसी तीसरे आदमी की भी जरूरत होती है ना तो यहाँ पे आराम से बैठ जाता है जी। और आपका नी रूम देखो, बहुत बहुत बहुत, आपसे अगर कोई 2 फुट लंबा आदमी बैठेगा आराम से बैठ, उसके भी घुटने या पैर नहीं टिकेंगे। तो स्पेस बहुत है, कंफर्टेबल केबिन है। ठीक है, इसके अलावा बेस्ट पार्ट जो आपने कवर कर लिया, अभी एसी में हमने इंट्रोड्यूस किया है इस गाड़ी को, तो 2 टन लोडिंग के साथ एसी के साथ ये गाड़ी आएगी। इसके अलावा एक यूनिक मैं आपको इस गाड़ी का एक फीचर बताना चाहूँगा, कहना जो है ये वाला स्विच आपको अगर दिख रहा हो, ये बैटरी कट ऑफ पॉइंट होता है। अच्छा, है ना, इसमें क्या होता है, इससे बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाती है। अच्छा, जो कनेक्टेड नहीं रहती बात। हाँ, कनेक्टेड नहीं रहती। सपोज जैसे कि मैं कहीं सपोज करूँ मुझे 4 दिन के लिए गाड़ी चलानी नहीं है, यूज़ नहीं करनी है, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, ड्राइवर नहीं आया, तो मैं ये ऑफ कर दूंगा तो मेरी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी। 1 महीने 2 महीने कितने भी टाइम तक गाड़ी खड़ी रहे बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी। इसके अलावा एक इसके अंदर यहाँ पे आता है इको मोड। अच्छा, इको स्विच आता है, इको स्विच दिया हुआ है इको मोड। तो ये इसका क्या फ़ायदा है कि सपोज करो मैं गाड़ी लोड लेके कहीं पे गया, वापसी में खाली गाड़ी आ रही है, हाईवे पे गाड़ी चल रही है, मुझे लोड की ज़रूरत नहीं है, पावर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो मैं इको मोड ऑन कर दूंगा तो इससे मेरी गाड़ी की एवरेज बढ़ जाएगी। अच्छा, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है इसके अंदर इको मोड का। अगर मेरे को वापस कुछ लोड डालना है, ताकत चाहिए, तो मैं इसमें इको मोड को ऑफ कर दूंगा, तो उससे अपना परफॉर्मेंस और एवरेज बढ़ता है। इसके अलावा स्पेस वगैरह एवरीथिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, स्टेयरिंग अरेंजमेंट, बिल्कुल कम्फर्ट का और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। हर चीज़ का पोजीशनिंग बहुत अच्छा है, मैं ऑनेस्टली अगर कहूँ, जैसा सर ने बताया, तो जो बैठने पर कोई भी साइड पैसेंजर, उसकी चाहे हाइट कुछ भी है, तो आराम से वो बैठ सकता है, और हर चीज़ की पोजिशन भी ठीक है। और ये पूरा केबिन जो है कार सेगमेंट के जैसे केबिन होते हैं उस तरह से डिजाइन किया गया है। एसी भी अभी ऑन है और फुली कूल्ड कर रहा है, ऐसी अच्छी एसी की यहाँ पर परफॉर्मेंस है। इको मोड है इसमें और जो पावर मोड है वो दोनों मोड हैं। बैटरी स्विच जो है नहीं काम होने पर आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं, और बिल्कुल साफ सुथरा सा मैं कह सकता हूँ एक अच्छा केबिन है। पिकअप सेगमेंट में इस तरह के केबिन की डिमांड भी ड्राइवर्स चाहते थे और उनकी ये डिमांड टाटा योद्धा पूरी कर रहा है। बिल्कुल सर, अब बैक प्रोफाइल में भी क्या कुछ चेंज है वो देखने के लिए चलेंगे। ये बैक प्रोफाइल है टाटा योद्धा का, और बैक प्रोफाइल भी बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि अच्छी हाइट पर है। और क्या कुछ चेंजेस आया सर बताएंगे? बिल्कुल चेंजेस लोड बॉडी में ऐसा कोई चेंजेस नहीं है। लोड बॉडी का जो साइज है वो सेम रखा है, 8.7 फीट लंबी लोड बॉडी पहले आती थी जी, और 6.1 फीट चौड़ा डाला आता था, वो सेम है। डाले की डायमेंशन में कोई चेंज नहीं किया गया है। जो चेंज पार्ट आप देख पाओगे वो लोड बॉडी के नीचे की तरफ एक ये अलग से सेफ्टी गार्ड दिया हुआ है, जैसे साइड में दिया हुआ, दोनों साइड में दिया हुआ है सेफ्टी गार्ड, और ये हमने रियर में भी दिया है कोई सेफ्टी के पर्पस से, कि अगर बैक से एक्सीडेंटल कोई सिचुएशन होती है तो कोई वाहन इसमें फंसे नहीं, कोई वाहन इसमें फंसेगा नहीं। विद रिफ्लेक्टर है, येलो रिफ्लेक्टर है, तो रात में भी बिल्कुल इसकी विजिबिलिटी भी रहेगी और सेफ्टी भी रहेगी। और कमानी पत्ते, जैसे कि आपको पता होगा पहले वाली गाड़ी में भी अपने पीछे 9 कमानी पत्ते आते थे, और इसमें भी 9 कमानी पत्ते हैं, तो जो भी लोग
योद्धा के ओनर हैं, जिन्होंने योद्धा लिए हैं, वो खुश हैं गाड़ी के कमानी पत्ते और लोड बॉडी के जो साइज़ है उससे। बेस्ट पार्ट कि उनको कमानी पत्ते बढ़ाने नहीं पड़ते। बिल्कुल, सस्पेंशन तो क्या है, कब पत्ते बढ़ाने पड़ते हैं क्योंकि 6 या 7 आते हैं कंपटीशन के अंदर, इसमें 9 पत्ते पहले। मार्केट रिव्यू की बात करें, अगर आप कस्टमर रिव्यू की बात कर रहे हैं, तो मैंने भी फिजिकली ये देखा है कि सस्पेंशन को लेकर बड़े खुश हैं जो टाटा योद्धा के जो ओनर हैं आपके। सस्पेंशन बहुत अच्छा बताते हैं, सस्पेंशन ताकत और लोड क्षमता में आज तक किसी को कोई शिकायत नहीं हुई है, मोर देन हैप्पी। बिल्कुल, और ये टोटल मैंने आपको टाटा योद्धा का जो है एक वॉक अराउंड करवाया है, और अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, जैसे कि सर ने बताया कि इंजन वाइज ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं, पुरानी योद्धा की जो परफॉर्मेंस है हमारे राजस्थान की परिस्थितियों के अनुसार, धोरों में भी हमने इसको परखा है, और महिंद्रा की पिकअप के साथ इसकी एक ज़बरदस्त भिड़ंत या हमने एक कंपेरिजन वीडियो भी इस यहाँ पर आपको इस मंच पर उपलब्ध करवाया है, वो भी आप ज़रूर देखें परफॉर्मेंस वाइज। और मौका मिलने पर नई वाली टाटा को भी हम लेकर चलेंगे फील्ड में और देखेंगे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। चलिए एक और इसी टाटा ट्रक सेगमेंट में एक और वाहन का भी इंट्रोडक्शन हम लोग देंगे, जिसकी भी लॉन्चिंग शायद आज ही है, तो चलते हैं नए वाहन की तरफ। अब मिली है टाटा के इंट्रा V50 से, तो मैं अब इसको क्या कहूँ सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा, पिकअप श्रेणी में आपने ये जो नया प्रोडक्ट दिया है, मैं क्या इसको ट्रक्स बोल दूँ, क्योंकि इसकी हाइट में देख पा रहा हूँ कि बहुत ऊंची है, क्या बोलूँ मैं इस सेगमेंट को, आप क्या बोलते हैं? आप इसको ट्रक बोल सकते हो क्योंकि जो हाइट है और जो डिज़ाइन है, तो आपको लग रहा होगा अपना अल्ट्रा सीरीज के कोई ट्रक आते हैं जो बहुत ही लग्जरी और प्रीमियम बिल्कुल आते हैं अपने, तो वहीं से कुछ इंस्पायर है ये, तो इसीलिए इसका नाम भी मिलता जुलता इंट्रा दिया हमने, ठीक है ना, वो अल्ट्रा आता है ये इंट्रा आता है, बट इसको हम पिकअप सेगमेंट के अंदर रख रहे हैं जी, सिटी पिकअप एक तरह से। हाँ, इसकी विड्थ भी कम है और सिटी पिकअप इसे कह सकते हैं। ये गाड़ी सिटी के लिए परफेक्ट है, क्यों परफेक्ट है, एक तो क्या है इसका आप आगे वाला जो बोनट वाला साइज देखोगे ना, वो हमने रिड्यूस किया है जी, ठीक है ना, जैसे ट्रक में आता है फ्लैट केबिन उस तरह का डिजाइन किया है, तो आगे वाला आप ये समझो कि 2 से 3 फुट तो ऐसे ही कम हो गया जी, क्योंकि सिटी मूवमेंट के अंदर अगर गाड़ी की लंबाई ज्यादा है, आगे बोनट ज्यादा निकला हुआ है, तो उसको सिटी में घूमने में, गलियों में घूमने में थोड़ी दिक्कत आती है जी, तो उस तरह से हमने इसको उस सेगमेंट में पिच करने की कोशिश करी है जहाँ पे एक कस्टमर को गाड़ी का प्रीमियम भी चाहिए, ठीक है ना, ड्राइविंग कंफर्ट जिसके अंदर हो, लग्जरी जिसके अंदर हो, ठीक है, पिकअप वाला भी काम कर सके, जहाँ पे गाड़ी के अंदर ताकत भी हो और डाला साइज भी बड़ा मिले जी, ठीक है। तो इसका कुछ मैं आपको यूनिक चीजें बताता हूँ इस गाड़ी की। 1.5 लीटर इंजन में आ रही है, 1500 सीसी इंजन के साथ, सीसी है ना, 79 हॉर्स पावर है, 79 हॉर्स पावर, बड़ा पावर। हम अगर जैसे कि पिकअप भी एक गाड़ी आती है ना, उस पिकअप से ज्यादा, महिंद्रा पिकअप की जो गाड़ी आती है उससे ज्यादा पावर इस गाड़ी के अंदर है, इतने सेम वो 75 हॉर्स पावर में आती है, ये 79 हॉर्स पावर में ये गाड़ी। बिल्कुल, यकीन तो आपको भी नहीं होगा कि इसका जो डिजाइन है उसे देखकर आप इस अनुभूति नहीं कर पा रहे होंगे कि इतना पावर इसमें, जैसा सर ने बताया महिंद्रा पिकअप जो श्रेणी है उससे ज्यादा इसमें ताकत है, इसमें हॉर्स पावर है, टॉर्क भी ज्यादा है, पावर के साथ साथ टॉर्क भी ज्यादा है, 220 Nm का टॉर्क है उस गाड़ी के अंदर, 200 Nm का टॉर्क आता है, तो इस गाड़ी की वजन उठाने की क्षमता भी ज्यादा है, और 1.5 टन पासिंग में हम ये गाड़ी दे रहे हैं। 1.5 टन पास है ये? हाँ, अच्छा, 15 क्विंटल पासिंग में आएगी, ठीक है ना, इसको हमने अलग से इसीलिए जो ब्रांडिंग भी करी है वो पिकअप करी है, इंट्रा पिकअप और V50। इससे पहले V30 गाड़ी आती थी, V10 आती है, दोनों ही रनिंग में है वो गाड़ियाँ भी, V10 भी है, V30 है, तो हमारे पास इंट्रा के अंदर अभी 3 कैटेगरी हो गई, V10, V30, V50। और सर इसमें इस स्पेशल सेगमेंट में और क्या अतिरिक्त मिल रहा है डिजाइन वाइज? एक ट्रक, ये मस्कुलर ट्रक लग रहा है, लेंथ बहुत ज़्यादा है सर, लेंथ बहुत ज़्यादा है, और सर इस गाड़ी की ना मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि ये गाड़ी इतनी पॉपुलर हुई है, ठीक है ना, और इतनी सक्सेस इस गाड़ी ने हासिल करी है कि इस सेगमेंट के अंदर, कमर्शियल गाड़ी के छोटे सेगमेंट के अंदर, ये फास्टेस्ट 1 लाख नंबर पूरे करने वाली गाड़ी है ये V50, ये इंट्रा और जितनी भी गाड़ी इसके अंदर आती है, V30, V10 आती थी, अभी V50 तो आज ही चलो लॉन्च हुई है, 1 लाख यूनिट सेल करने में इस गाड़ी ने सबसे कम टाइम लिया है, सबसे कम टाइम में 1 लाख यूनिट
इंट्रा की भी की हैं, जिसमें V10 और V30 और V50 सब शामिल हैं। जी सर, लेंथ की तरफ मैं आगे बढ़ूंगा, हाँ। क्योंकि आप बता रहे हैं कि जैसा लोडिंग क्षमता ज़्यादा है और विड्थ भी कम है, तो नेचुरली इसकी लेंथ बड़ी है। तो देखते हैं साइड प्रोफाइल और क्या कुछ इस साइड प्रोफाइल में सिटी वाइज, जैसा सर बता रहे हैं ये परफेक्ट है, तो साइड प्रोफाइल से देखते हैं सिटी के लिए कितना परफेक्ट है। इंट्रा के साइड प्रोफाइल में जो सबसे हाईलाइटेड चीज़ सर मुझे आपके पीछे नज़र आ रही है, इसकी टायर साइज, इसकी डिजाइन को देखकर इसकी टायर साइज को देखते हैं तो बड़ी अनुभूति होती है, बड़ा सा साइज लगता है इसका। क्या साइज है टायर? बिल्कुल सर, 15 इंची का टायर इसका आ रहा है, जो पिकअप गाड़ी का भी है। यानी कि सिर्फ हम ऐसा नहीं नाम के लिए पिकअप बोल रहे हैं इसको, जी वो सारी खूबियां इस गाड़ी के अंदर हैं जो पिकअप गाड़ी के अंदर होती हैं, पावर, टॉर्क, वजन क्षमता, टायर साइज, ठीक है ना, प्लस डाला साइज। डाला साइज के बारे में आपको बताऊं, 9.8 फीट का डाला है इसका, जो इसकी लंबाई है 9.8 फीट है, और इस सेगमेंट में किसी भी गाड़ी में इतना लंबा डाला नहीं आ रहा। फर्स्ट टाइम इन सेगमेंट, इस सेगमेंट के अंदर पहली बार है कि इतना लंबा डाला किसी गाड़ी के अंदर लॉन्च हुआ है। तो ऑलमोस्ट 10 फुट हो गया, 9.8 फीट मैक्सिमम लेंथ है डाले की। बिल्कुल, इसके अलावा 10 कमानी पत्ते पीछे दिए हैं लोड क्षमता के लिए, तो अगर किसी को वजन का भी किसी का काम रहेगा तो उसको पत्ते बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, पहले हमने इतने पत्ते दिए हुए हैं कि ओवरलोड में भी अपना कोई दिक्कत नहीं है। इसके पत्ते और योद्धा के पत्ते में क्या अंतर है? बराबर से जिसमें 10 है उसमें 9 आते हैं। अच्छा अच्छा, इसमें ज्यादा आ रहे हैं। हाँ, इसमें तो इसमें कमानी पत्ते जो हैं ज्यादा है, आइंदा लोडिंग के हिसाब से आपको इसमें बढ़ाने की भी जरूरत नहीं रहेगी, और इनकी वजह से सस्पेंशन भी गाड़ी का मजबूत रहेगा। बिल्कुल मजबूत रहेगा सर। ये इंट्रा का बैक साइड है, और बैक साइड में भी बिल्कुल इसकी लेंथ वाइड अगर हम देखें तो बहुत एक लंबा व्हीकल ये है, और सिटी वाइड देखें तो इसकी विड्थ थोड़ी सी कम है, जिससे कि छोटे रास्तों में गुजरने में इसको आसानी होगी। अगेन स्पेसियस मैं केबिन में बैठा हूँ, और हाइट आप नीचे खड़े होकर देखते हैं तब तो है ही है, बैठने के बाद भी खूब सारी हाइट सर बच रही है, तो केबिन साइज बहुत खुला खुला और इस तरह से कह सकते हो कि स्पेसियस है। और कुछ ये नया सेगमेंट है, तो इसमें नया केबिन भी इंट्रोड्यूस किया गया है, मैकेनिकल जो गियर जो नीचे आते थे उनको यहाँ ऊपर शिफ्ट किया गया है। बिल्कुल, इसके अलावा क्या क्या चेंजेस है सर? चेंजेज इसके अंदर अब यूँ तो पूरा नया प्रोडक्ट है। हाँ, तो टोटली नई चीज़ें ही हैं सारी, बट जो इससे पहले V30 गाड़ी अपनी आती थी तो उसका सिमिलर ही है काफ़ी हद तक, जो डैशबोर्ड है और इंटीरियर है। तो बेस्ट पार्ट आपने खुद ही ऑब्जर्व कर लिया सर कि स्पेस गाड़ी के अंदर काफ़ी है, चाहे वो लेग रूम हो चाहे हेड रूम हो, ठीक है ना, 3 लोग भी बड़े आराम से बैठ सकते हैं। बिल्कुल, और तीसरा जो आदमी बीच में बैठेगा उसको भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जैसे आपने बताया गियर बक्सा हमने हटा दिया, डैशबोर्ड में दे दिया, डैशबोर्ड माउंटेड गियर बॉक्स इसको बोलते हैं। और ये वाला जो डिजाइन होता है केबिन का डिजाइन, इसको वॉक थ्रू केबिन बोलते हैं। अच्छा, इट मीन्स मैं यहाँ से चढ़ा और इधर से निकल के आ सकता हूँ, बीच में कोई बीच में से गुजर सकता है ना, किसी भी तरह का कोई नहीं है रुकावट, सेम आप इधर से चढ़ सकते हो उधर से निकल सकते हो, तो वो बेस्ट पार्ट है। खुला है, पावर स्टीयरिंग दी हुई है, तो ड्राइवर को बिल्कुल भी थकान होने वाली नहीं है, बहुत ही आरामदायक केबिन है, आरामदायक सीटिंग अरेंजमेंट है, और स्टीयरिंग अरेंजमेंट देखोगे आप तो बहुत ही आरामदायक है, कहीं पे भी लॉन्ग ड्राइव पे भी अगर कोई ड्राइवर जाता है 300 400 500 किलोमीटर की भी रनिंग करनी है तो बिल्कुल भी थकावट नहीं होने वाली है, बहुत आरामदायक। मैं देख पा रहा हूँ कि जो आपने डैशबोर्ड दिया है वो डिजिटल, इसमें मीटर भी है। बिल्कुल, देखो मैं आपको ये भी ऑन करके दिखा देता हूँ, पूरा डिजिटल है, ठीक है ना, इसमें सारे जो आपका स्पीडोमीटर है वो भी डिजिटल है, ठीक है ना, तो एक बिल्कुल ही कार वाला जो कारों में आजकल आ रहा है, पूरा डैशबोर्ड का डिजाइन भी और इंस्ट्रूमेंट पैनल भी टोटली हमने उसी तरह से लग्जरी बनाने की कोशिश करी है। इसके अलावा जो चार्जिंग पॉइंट है आप ये भी आप देखोगे तो वो वाला नहीं है कि इसमें अलग से सॉकेट की जरूरत पड़ेगी, ये USB टाइप है, डायरेक्ट USB टाइप चार्जर इसमें मिल जाएगा। तो एक मैं यूँ कह सकता हूँ कि पिकअप श्रेणी में होते हुए भी टाटा ने अब जब ट्रक्स पर काम करना शुरू किया है, इस सेगमेंट में काम करना शुरू किया है, तब भी कार सेगमेंट की तरह लगातार नवाचार करते हुए कस्टमर की जो राय है उसको ध्यान में रखते हुए यूज़र फ्रेंडली प्रोडक्ट तैयार किए हैं, जिनमें ताकत के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी है, वर्तमान टेक्नोलॉजी, वो भी उसका भी भरपूर इस्तेमाल हो। बिल्कुल, जो भी इंजन है इसके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला इंजन है, आपको पता होगा आजकल BS6 गाड़ियों में यूरिया डेफ का यूज़ होता है, तो इस गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल इंजन है जिसमें कोई यूरिया और डेफ नहीं डलना। अच्छा। तो बेस्ट इंजन है, बेस्ट रिफाइंड इंजन।
चलिए अब इजाजत दीजिए न्यूज 21 राजस्थान के माध्यम से। आज हमने आपको रामजस धारणिया मोटर्स में दो नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के साथ साथ एक डिटेल वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया है। ये डिटेल वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जैसा मैंने पहले दोहराया फिर दोहरा रहा हूँ, दिवाली सीजन है और यदि आप इस सेगमेंट में कोई वाहन लेने का सोच रहे हैं तो एक बार इंट्रा V50 और योद्धा 2.0 का भी अवलोकन ज़रूर करें। मिलते हैं अगले किसी अंक में, तब तक के लिए सर आपसे भी विदा लेते हैं और आप सभी दर्शकों से भी विदा लेते हैं। नमस्कार।